जब से मार्वल ने कॉमिक कॉन में ये अनाउंस किया है कि आरडीजे ही डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले हैं, तब से सभी फैन आरडीजे की वापसी और मार्वल के लिए बहुत खुश हैं और सुपर एक्साइटेड हैं। बट फिर भी कई बंदों को तो यही नहीं पता है कि डॉक्टर डूम किस चिड़िया का नाम है। और जिस तरह से इन्फिनिटी सागा में आई सभी मूवी को एक परफेक्ट एंडिंग मिली थी एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन के स्नैप के बाद, ठीक उसी प्रकार मल्टीवर्सल सागा में भी आई सभी मूवीज को एक परफेक्ट एंडिंग मिलेगी एवेंजर्स एंड गेम में, जिसमें सबसे मेन रोल होने वाला है आरडीजे के डॉक्टर डूम का। और इसीलिए मार्वल सीक्रेट वॉर से पहले इस कैरेक्टर को पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने वाला है एंड वो होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। एंड आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आयरन मैन डॉक्टर डूम कैसे बनेगा और मार्वल ने इस कैरेक्टर के लिए क्या क्या प्लान करके रखा है। तो एक ऐसा बंदा जो एक आम इंसान से लेकर इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल एंटिटी बन गया, उसकी कॉमिक स्टोरी कैसी रही है। कॉमिक्स में बताया गया है कि इसका जन्म लेटवेरिया में बसे एक कबीले में हुआ था, जहाँ के लोग इसे विक्टर कह के बुलाते थे। विक्टर की माँ का नाम सिंथिया था, जो एक सॉर्सरर थी और अलग अलग डायमंड से शक्तियाँ मांगा करती थी। और इसी कारण सिंथिया ने एक डायमंड से शक्तियाँ लेने की कोशिश की, तब उस डायमंड ने उसे ही कंट्रोल कर लिया और एक एक करके बैरन के सारे आदमियों को मरवा दिया। वैसे यहाँ पे बैरन एक ऐसा ग्रुप है जो कि उस कबीले की सुरक्षा करता था, और इसके बाद सिंथिया भी मर गई और कबीले वाले ने विक्टर और उसके पिता को कबीले से बाहर निकाल दिया। और कुछ टाइम बाद विक्टर के पिता भी बर्फ में जम के मर गए और विक्टर अकेला पड़ गया। पर विक्टर को पता था कि उस डायमंड ने उसकी माँ की सोल को कैद करके रखा है, और अपनी माँ को बचाने के लिए और उस डायमंड तक पहुँचने के लिए विक्टर एक डिवाइस बनाता है जिससे कि दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल किया जा सकता है। और उसने इसी डिवाइस का यूज करके उस डायमेंशन में ट्रेवल किया जहाँ वो डायमंड है, और वहाँ उसे अपनी माँ भी मिलती है। और डायमंड ने विक्टर को बहुत ही बुरी तरह से हराया, और अगले दिन जब उसे होश आया तब उसे पता चला कि उसका पूरा चेहरा जल चुका है। इसके बाद विक्टर हिमालय की चोटी पे सॉलिन टेम्पल पहुँचा, जहाँ के मॉन्क्स ने उसे अपनी नॉलेज दी और उसका आइकॉनिक सूट भी उसे वहाँ मिला, और वहाँ से ही उसे नाम मिला डॉक्टर डूम। वेल ये ओरिजिन काफी अच्छी होने के बावजूद भी मार्वल इसे अडॉप्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज जो डूम हमें एमसीयू में दिखने वाला है वो एक वेरियंट होने वाला है आयरन मैन का। तो यहाँ ये हो सकता है कि जो डूम हमें दिखने वाला है एमसीयू के अंदर वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स का टोनी स्टार्क हो, या फिर एक आयरन मैन का वेरियंट जो करप्ट हो चुका है, या फिर वो आयरन मैन के पाथ पे ना चल के डॉक्टर डूम के पाथ पे चलने लगा। पर फिर भी कॉमिक्स में एक स्टोरी एग्जिस्ट करती है जहाँ विक्टर और टोनी एक रूम पार्टनर होते हैं, जिसमें वो दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जहाँ डूम उसे धोखा देके अपनी बॉडी स्विच कर लेता है उसके साथ एंड उसकी सारी मेमोरीज डिलीट कर देता है। और इसके बाद भले ही बॉडी हो आयरन मैन की, पर उसमें होता है डॉक्टर डूम। एंड मार्वल हमें ये स्टोरी दिखा सकता है, एंड अगर ये होता है तो ये देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके बाद जब डूम अलग अलग यूनिवर्सेज में जाके उस यूनिवर्स के एंकर बींग को मारने लगेगा ताकि इनकर्सन शुरू हो सके, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर डूम टीवीए का सहारा लेगा। जब डूम टाइम में कुछ छेड़छाड़ करेगा तब टीवीए उसे उठा लेगा, और वहाँ से उसे पता चलेगा टीवीए के बारे में, और टीवीए से उसे पता चलेगा एंकर बींग के बारे में कि हाँ भाई एक एंकर बींग नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, और इसे मारने से भाई पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा या फिर टाइम लाइन खत्म हो जाएगा। और इसके बाद डॉक्टर डूम निकल जाएगा अपने सफर पे जहाँ वो अलग अलग यूनिवर्स के एंकर बींग को ढूंढ ढूंढ के उसे मारना शुरू कर देगा। और फिर यहाँ पे आएंगे हमारे बियॉन्डर्स जो उसे रोकने की कोशिश करेंगे और उस पर नजर रखेंगे। पर जबकि सारे यूनिवर्स खत्म हो जाएंगे तब डूम एक अपना यूनिवर्स बनाएगा जहाँ लोग उसे भगवान की तरह पूजेंगे। और इसके लिए कॉमिक्स में डूम को जरूरत पड़ती है मॉलिक्यूल मैन की, पर मार्वल ने अभी तक हमें मॉलिक्यूल मैन नहीं दिखाया है। पर हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर मूवी में हमें मॉलिक्यूल मैन को भी दिखा दिया जाए। बट अगर मॉलिक्यूल मैन को नहीं दिखाते हैं तो सबसे मेन रोल हो जाएगा लोकी का, क्योंकि लोकी टाइम के एंड में बैठ के सारे ब्रांचेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एंड इसलिए लोकी ही वो बींग है जो इस टाइम पे डॉक्टर डूम की मदद कर सकता है और एक यूनिवर्स बना सकता है। एंड प्रोबेबली इसी पॉइंट पे आके ये मूवी खत्म हो जाएगी और फिर शुरू होगा सीक्रेट वॉर्स। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी तुम लोग कमेंट में बताना, एंड तुम लोग कितने एक्साइटेड हो इस चीज के लिए वो भी तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। एंड अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना।